मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव चरम पर हैं और हर राजनीतिक पार्टी अपने उम्मीदवारों को तय कर रही है। सबसे बड़ा सवाल है, ये पार्टी के लिए एक संकट का विषय होता है, लेकिन परखना और जांचना भी जरूरी है कि कौन जीत पाएगा इस रण में और कौन हार जाएगा। इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, हमारे साथ मध्य प्रदेश के सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा मौजूद हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। प्रभात जी, 2018 विधानसभा चुनाव आ गया है और विधानसभा चुनाव में हर राजनीतिक पार्टी ये कोशिश करती है कि इस बार भी जीता जाए। बीजेपी के साथ एक इसे प्लस कहें या माइनस कहें, 15 साल का शासन हो चुका है, लोग एंटी इनकम्बेंसी का जिक्र करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि मुख्यमंत्री या बीजेपी के नेता अपने आप को थका हुआ महसूस नहीं कर रहे। फिर से एक बार इस रण को जीतने की कोशिश करना चाहते हैं, कैसे जीतेंगे? सेवा का जो स्वभाव होता है, सत्ता को हमने सेवा का माध्यम माना है। मनोज जी, हमने कभी नहीं सोचा कि सत्ता कोई स्वयं के लिए होती है, और इसलिए इस भाव का जागरण जब होता है कि ना सेवा और करना है, अभी अपने मध्य प्रदेश को और बदलना है, तो वो जो ऊर्जा आती है, आंतरिक ऊर्जा, वो सीधे दिखती है और लगता है नहीं फिर से चौथी बार सरकार बनाना ही चाहिए। वही भाव सबके मन में है और उसी का जुनून सबके ऊपर है। लेकिन प्रभात जी, एक चीज मैं देख रहा हूं, क्योंकि इस बार बहुत सारी चीजें कुछ अलग तरीके से दिखाई दे रहे हैं। पहले मैं देखता था कि स्थानीय नेता, चाहे वो शिवराज सिंह चौहान हो, नरेंद्र सिंह तोमर हो, अनिल माधव दुबे जो अब नहीं रहे हैं वो हो, या आप हो, राकेश सिंह हो, या तमाम ऐसे दूसरे नेता हैं, वो मिलजुल कर रणनीति प्लानिंग बनाते थे। लेकिन इस बार मध्य प्रदेश की भाजपा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का जो तड़का है, ये तड़का क्या कहेगा? क्या वाकई दाल ऐसी बनेगी? मनु जी, पहले भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, आज भी अमित भाई हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय नेताओं का सदैव चुनाव में महत्व होता है। नहीं, पहले इतनी हम्बाली नहीं होती ना सुन तो लीजिए। हाँ। प्रधानमंत्री थे क्या हमारे पास पहले? पहले ऐसे रणनीतिकार जो चुनाव को जीतने की पूरी संभावनाओं के साथ उतरते हैं और उनका जुनून आप जानते हैं। अमित शाह जी कहते हैं, अगर नगर निगम का भी चुनाव है तो जीतना हमारा उद्देश्य है, और जीतने के लिए जो भी सहयोग, उनका भी तो दायित्व है। अगर मध्य प्रदेश में माइनस प्लस कुछ हुआ तो अमित भाई की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी, शिवराज जी की जिम्मेदारी नहीं मानी जाएगी। राष्ट्रीय अध्यक्ष अपनी जिम्मेदारी से जुड़ते हैं और वो स्वयं जुड़ते हैं। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी को नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह की होगी, सवाल ही नहीं है। अगर मध्य प्रदेश में बीजेपी हार गई तो ये अमित शाह की हार मानी जाएगी। आपने फिर कहा मनु जी, अमित शाह जी का अपना दायित्व है और दायित्व में निगरानी और निगरानी के साथ पूरी तरह से चिंता करना, ये उनका नैसर्गिक स्वभाव है और इसी कारण से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। एक चीज है कि नियम बनते हैं, कानून बनते हैं, ये कहा गया कि बुजुर्गों को मंत्री नहीं बनाया जाएगा, हटा दिया गया। फिर ये हुआ कि बुजुर्गों को टिकट नहीं दिया जाएगा, अब टिकट देने की भी बात चल रही है, 60 से 70 विधायकों के टिकट काटने की बात चल रही है। जब ऐसा होगा तो आपको भी पता है कि स्वाभाविक तौर पर नाराजगी होगी, और अब तो प्रदेश चुनाव समिति की बैठकें हो गई है, उम्मीदवार चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है, तो कैसे निपटा जाएगा इन मतभेदों से? देखिए, ये हमेशा से होता है, कुछ टिकट कटते हैं, कुछ टिकट नए आते हैं, ये एक परंपरा है। लेकिन एक मनु जी, आप भी जानते हो, आप भी अपने स्टाफ में उसको ही रखोगे जो परफॉर्मेंस करता है। जिताऊ को छोड़ेंगे नहीं और हारने वाले को देंगे नहीं, ये बेसिक प्रिंसिपल है। और मजबूरी हो उनके लिए? ना, राजनीति में कोई मजबूरी नहीं। बहुत से ऐसे मंत्री हैं, क्योंकि आपने सर्वे कराया है, प्रदेश ने कराया है, केंद्र ने सर्वे कराया है, बहुत से ऐसे मंत्री हैं, बहुत से ऐसे विधायक हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि साहब अगर ये लड़े तो हार जाएंगे। मैं फिर कह रहा, ना, मजबूरी नहीं है। हारने वाले का बेसिक प्रिंसिपल बना है हमारे यहाँ, हारने वाला कोई भी हो उसको टिकट नहीं दिया जाएगा, जीतने वाले को छोड़ेंगे नहीं, ये स्पष्टता से सारे चुनाव समिति के लोगों को मालूम है। सुरेंद्र पटवा का सर्वे में हार रहे हैं, माया सिंह सर्वे में हार रहे हैं, जयवंत सिंह बबैया अभी इलाके सर्वे में हार रहे हैं, लेकिन फिर भी मजबूरी है। ना, ऐसा कह, देखिए, सर्वे कार्यकर्ता का स्वर, अपना अनुभव, इस तीनों के युग्म से जोड़ से ही सब चीजें निर्णय होगी। सर्वे कैसे आया है मुझे नहीं पता, मैंने अभी देखा नहीं है। अब मैं सीधे मैं सर्वे का आधार क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन सर्वे एक आधार है। विधानसभा चुनाव लड़ा चुके हैं,
नहीं, मैं अनेकों विधानसभा मैं मानता हूँ, अपने पैर खराब कर लिए नहीं, मैं ना 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 कैसे चयन होता नहीं, सर्वे में भी क्या आया है, ये आज चुनाव समिति की मीटिंग में तो आएगी बात जी, अभी तक तो हुई नहीं है कि किसका टिकट कटने के लिए कहा उन्होंने, किसका कहा कि हालत खराब है, ऐसा नहीं। क्या होता, देखिए संभावनाओं की तलाश होती है और जीत की संभावना दिखेगी वहां सारी उंगलियां एक होंगी, हार की संभावना जहां होगी वहां सारी उंगलियां एक होंगी। पिछले दो चुनाव और इस बार के चुनाव में अंतर क्या देखते हैं? मैं अगर सच पूछेंगे आप, मैं तो झूठ तो मैं पूछूंगा भी नहीं, आपको पता है सच पूछ रहे हैं, तो मैं जन आशीर्वाद के माध्यम से लगभग 170 विधानसभा में गया हूं, 187 हुए हैं, 17 में मैं किन्हीं कारणों से नहीं जा पाया, और एक बार नहीं गया हूं मनु भाई, दो दो बार गया हूं। जनता में कहीं कोई नाराजगी नहीं है, हर वो चेहरा मुस्कुराता मिला है मुझे जिसके घर में 300 योजनाओं ने उसके अंधकार को दूर किया है। मनु भाई भारत का पहला राज्य है कि मेरे घर में भी अगर मेरी संबल में रजिस्ट्रेशन है और मेरे घर में यदि कोई साठ साल नहीं, मैं अगर कराऊंगा तो मैं कह रहा हूं तो उसका तो नहीं, मैं तो इनकम टैक्स पे ही हूं ना, मैं कैसे, लेकिन जिन्होंने भी कराया 2 करोड़ 8 लाख लोग, 2 करोड़ 8 लाख, उनके घर में कोई एक्सपायर हो जाएगा 60 साल के नीचे का, सरकार 2 लाख देगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, कौन राज्य है ऐसा करने का, और देना शुरू कर दिया है। आर्थिक जानकार कहते हैं कि ये मध्य प्रदेश के खजाने के लिए अच्छा नहीं। ना 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 ना, ना, ना भारत में मध्य प्रदेश ऐसा एक राज्य है जिसने सामाजिक सरोकार बनाया है। चर्चिल कहा करता था कि पॉलिसी एंड लॉ एंड ऑर्डर इज अ वर्क ऑफ गवर्नमेंट, उसने कहा ना, शिवराज सिंह ने कहा नहीं, ये तो है ही, इसके अलावा समाज के घर में भी सरकार दिखे, उजाला दिखे, इसकी कोशिश की है और यही तो कारण है। मुझे लगा कि आपने कहा कि नहीं, लॉ एंड ऑर्डर कुछ नहीं होगा, मतलब नहीं नहीं नहीं, अवैध उत्खनन होगा, नहीं नहीं, अपराध होंगे, महिलाओं पे अत्याचार होगा, महिलाओं के अत्याचार के मामले में, मैं फिर कह रहा हूं अनु भाई, ये सामाजिक करप्शन भ्रष्टाचार की शिकायत है, सामाजिक कुरीतियां ही है, इसको कम करने की कोशिश कर, मेरा अपना भी तो कोई संस्कार है ना, अगर मैं घूस खाने लगूंगा तो इसमें सरकार क्या करेगी मुझे बताइए, कि मेरे को मैं पकड़ेगी, सवाल क्या है कि ये मेरे व्यक्तिगत संस्कार है। पकड़ क्यों नहीं है, देखिए दिल्ली में सीबीआई डायरेक्टर स्पेशल डायरेक्टर घूस खाने लगे तो पकड़ में आ गया, नहीं आया ना, हाँ यहाँ पर नहीं आ, ना 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 ना, यहाँ पर भी इतने पकड़े गए हैं कल्पना नहीं करेंगे आप, कोई दिन ऐसा नहीं होता 5-7 दिन में पकड़ा जाता, मेरा ये कहना था कि ये निजी मामले हैं, मैं कैसा रहूं, मैं कैसा चलूं, मैं कैसा खाऊं, और इसमें सरकार का कोई नुकसान होता है, जनता का नुकसान होता है तो सरकार। आप अपने संस्कार की तो बात ही मत कीजिए, क्योंकि पिछली बार आपने जो संगठन खड़ा किया था अपने पैर खराब कर लिए जी जी, और शायद वही एक कारण है कि आज संगठन खड़ा हुआ है देखिए प्रदेश में, मेरा उसके बावजूद ही पोखरण हो जाता है, नहीं मनु जी क्या होता है, उसके बावजूद ही पोखरण हो जाता है, मैं इस बात का आपको प्रदेश अध्यक्ष पद से भी हटा दिया जाता है, हटा है नहीं, केंद्र में स्थान भी नहीं मिलता है, मंत्रिमंडल में गठन में हो जाता है, तमाम लोगों के नाम आ जाते हैं। मैं बताता हूँ, मैं दोबारा नहीं बना, हटाया नहीं क्या मुझे, मैं अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, मुझे दोबारा नहीं, एक होता क्या है ये आपने कहा ना पोखरण हो गया, मैं कहा ना, मैं आज खाना खा के निकला, मुझे आश्वासन मिला प्रभात जी आपकी मेहनत आपका संगठन बहुत जरूरी है, बाहर निकल इसके ऊपर भी तो पार्टी है ना, क्या पार्टी निर्णय को मैं डिनाई करता, पार्टी का निर्णय जब कमिटमेंट है, प्रतिबद्धता है, तो हर उस निर्णय को हमको मानना ही होगा, जिस निर्णय से मेरा व्यक्तिगत भी हो या सार्वजनिक हो, मेरा व्यक्तिगत जीवन अपने जीवन के तरफ से अलग है, मेरा जीवन पार्टी के लिए है, और इसलिए पार्टी जो तय करती है मनु भाई उसको मानना ही पड़ेगा, वो निर्णय गलत भी हो सकता है, वो निर्णय सही भी हो सकता है। इस बार सुनने के कांग्रेस एकजुट दिख रही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, अरुण यादव, ये बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इस बार वो कहते हैं कि नहीं इस बार हम हरा ही देंगे, मध्य प्रदेश की जनता 15 साल ऊब चुकी है, अब वो क्या कहेंगे, जिता देंगे ये तो कहेंगे नहीं, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से पूछिए मनु भाई, ग्वालियर क्यों हार गए, भिंड क्यों हार गए, मुरैना क्यों हार गए, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी आज 8 में से 3 विधानसभा हारे हुए हैं, वो किस बात का दावा करते हैं, मध्य प्रदेश के 51 जिलों का दौरा नहीं किया पिछले 6 महीने में, उपचुनाव हार गए थे आप, नहीं उपचुनाव हमारी सीट नहीं थी, मुंगावली कोलारस हमारी सीट नहीं थी, हाँ। चित्रकूट हमारी सीट नहीं थी, और इसके अलावा अटेर हमारी सीट नहीं थी, से सारे कांग्रेसियों ने अपनी सीट बचाई है, सरकार तो थी नहीं, सरकार होने का क्या मतलब, सरकार की योजना तो थी, हो गया तो थी ना, ना देखिए मृतक थे, आपको जानकारी होगी तीनों जगह पे मृत हुई थी, और मृत जहां होती है संवेदनाएं चलती हैं वहां पर, उसके बाद हम छीन नहीं पाए, लेकिन हम हारे नहीं है कि वो तो उनकी सीट थी, और इसलिए सिंधिया जी से पूछा, कमलनाथ जी से पूछा, आपने कहा एक हो गए, भाई कमलनाथ जी
आप अपने 7 विधानसभा क्षेत्र है मध्य प्रदेश में, सतना और उसमें मिला के 7 विधानसभा क्षेत्र है, मतलब कमलनाथ जी के क्षेत्र में और सतना में, आप उनसे पूछिए कि 4 क्यों हार गए? बालाघाट जीता पाते हो, बैतूल जीता पाते हो, कुछ जीता नहीं पाते हो आप। ये तो अपने अपने कॉन्स्टेंस सच्चाई समझने की कोशिश करिए, एक मिनट लूंगा मैं आपका। ये अपने अपने क्षेत्र के नेता हैं, दुर्भाग्य से इन पे वजन पड़ गया। एक उद्योगपति महाराज हैं, हमें है तो है कहना ही पड़ेगा, और एक डायनेस्टी फैमिली महलपति से आते हैं, इनका जनता में कोई पकड़ है? मैं बीजेपी का होने के बाद भी दावे के साथ कहता हूँ, तो मैं बता रहा हूँ, छिंदवाड़ा नहीं हरा पाते लोकसभा? अरे इतनी बड़ी क्या हमने बाई इलेक्शन, ना ना को आप गुना नहीं हरा पाते? नहीं नहीं, सवाल क्या, देखिए फिर मैंने कहा कि यहाँ इन्होंने पॉलिटिकल फैक्ट्री चला के रखी है, हराएंगे आज नहीं कल निश्चित हराएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अगर कोई नेता है, मैं बीजेपी का होने के बाद भी दायित्व के साथ कह रहा हूँ, इनके यहाँ नेता सिर्फ एक दिग्विजय सिंह जिसको दरकिनार करके रखा है इन्होंने। अगर 63,000 गांव में किसी के पास एक दो कार्यकर्ता हर गांव में है तो उसका नाम दिग्विजय सिंह जी है, लेकिन बंटा ढार के कारण जाने, आप उनका सम्मान कर रहे हैं? मैं सम्मान कर रहा हूं, या केरोसिन डाल रहे हैं? नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का होने के बाद, आपको याद होगा मैं एक पत्रकार रहा हूं, मैंने 600 किलोमीटर की यात्रा दिग्विजय सिंह जी के साथ की है, मैंने देखा है गांव गांव में। लेकिन आज क्या हो गया, 10 साल के उनके कार्यकाल को एक भी दे रहे उदाहरण कि हमारे मुख्यमंत्री ने यह किया था? उल्टे रोते हुए दिग्विजय सिंह जी ने कहा है मजबूरी में कि मेरे जाने से तो वोट कट जाते हैं, मैं कहां जाऊं, और आज घर में बैठकर इस प्रांत के कांग्रेस का सबसे बड़ा नेता तो सुबक कर रो रहा है। एक तरफ दिग्विजय सिंह एंट्री मारते हैं कांग्रेस में, काम करने की बात करते हैं, तो आप कहते हैं मिस्टर बंटा धारा गए, और जब वो चले जाते हैं तो कहते हैं कि जनाब मध्य प्रदेश में इससे अच्छा तो नेता प्रभावी नेता, नहीं उनकी पार्टी में, कह रहा हूं उनकी पार्टी के संगठन में, नेता में प्रशासनिक नहीं कह रहा कि बहुत अच्छे मुख्यमंत्री थे, अच्छे होते तो चलते। मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह जी ने इतिहास रचा है मनु भाई, कोई मुख्यमंत्री 13.5 साल नहीं रहा लगातार, कांग्रेस का इतिहास उठा के देख लीजिए क्यों रहा, क्या हमने खराब काम किया? मैंने कल पूछा अरुण यादव जी कांग्रेस के अध्यक्ष, मैंने कहा अरुण भाई एक दिन भी अच्छा काम नहीं किया हमने, तो जनता समझदार नहीं है? आप समझदार हो, कभी धरना किया आपने, कभी प्रदर्शन किया? हमने अगर खराब काम किया होता तो 2008 में क्यों आते? हम खराब काम किए होते तो 2013 में क्यों आते? सवाल क्या है कि काम का आधार हो क्या गया है राजनीति मनु भाई, न अच्छी की प्रशंसा को लोग करते हैं, न बुरे के खिलाफ आते हैं। ये जो दिक्कत राजनीति की है, मौलिक दिक्कत है कि अच्छे की प्रशंसा करना चाहिए। आप मुझे बताइए क्या एक भी काम हमने अच्छा नहीं किया होगा 15 साल में, और एक बयान? और इससे बुरी बात क्या होगी, ज्योतिरादित्य जी, कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी कभी मुख्यमंत्री के यहां गए समस्याओं को लेकर मिलने? वो मैं फुटेज देखना चाहता हूं कभी गए हो। ये तो मानकर ही नहीं चलते, दुबला पतला किसान का बेटा कहां से बन गया? चीजें फोन पे हो जाती है। ना 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 ना, चाहे वो पार्टी के हित की हो या पार्टी, मैं फिर कह रहा हूं समस्याओं का निदान होता है, हम लोग भी थे, हम दिग्विजय सिंह जी से फोनो फ्रेंड बहुत, नहीं नहीं फोनो फ्रेंड नहीं, मनु जी जाना चाहिए समस्याओं को, किस प्रदर्शन का नेतृत्व किया? तो कल तारीफ कर रहे थे कि कमलनाथ ने इतना मध्य प्रदेश के लिए किया, सुरेश पचौरी ने इतना किया, और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के लिए। देखिए बाबूलाल जी गौड़ बड़े नेता हैं, बड़े मतलब उम्र दराज, तो बड़ी बात अच्छी बात नहीं, नहीं नहीं फिर कहा अगर वो बुरे होते तो खराब कहते, कुछ किया होगा लेकिन मध्य प्रदेश की, उन्होंने कहा बहुत किया। अरे कहा होगा, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मध्य प्रदेश की जनता पूछ रही है कि पानी आपने दिया था क्या हमको, सड़कें दी थी क्या आपको हमने? आज आप जाइए इंदौर 2 घंटा 20 मिनट में, आप जाइए सागर जहां 6 घंटे लगते थे 2 घंटे 15 मिनट में आप सागर पहुंच जाएंगे। ये सब किसने, बिजली आज आप हमसे बात कर रहे हैं, रात को नहीं तो हम तो घूमते थे कि क्या हाल हो गए, बिजली नहीं है? आज बिजली पानी पर हम खड़े हुए, उसके बाद उसके और चीजें प्रगति की ओर ले गए। कौन कहता किसान 7 लाख हेक्टेयर से मनु भाई 40 लाख हेक्टेयर सिंचाई की व्यवस्था पर लाखों करोड़ रुपए हमने फूंक दिए, किसान आज क्या है? हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह तो हमारे प्रधानमंत्री थे, लेकिन थे तो कांग्रेस के, क्यों पुरस्कार दिया 3 बार मध्य प्रदेश को, कृषि में सबसे आगे क्यों निकला? किसान आत्महत्या कर रहे हैं? ना ना देखिए क्यों कर रहे हैं, मैं फिर बताता हूं, देखिए बता दीजिए क्यों कर रहे हैं। मैं बता दूं क्या होता है, अपनी निजी मैं भी अपना परेशान हो जाता हूं, आदमी व्यक्तिगत आत्महत्या क्यों करता है? बहुत एक घटना नहीं है, सरकार को चिंता, देखिए हर किसान के मरने पर दुख होता है, अन्नदाता है, उनकी क्या कारण होता है, और सरकार बार बार कहती है कि हम आपके लिए खड़े हैं, उसके बाद कारण है, वो कारणों में जाना पड़ेगा, बहुत सारे कारण होते हैं, नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं कहता हूं घर में आत्महत्या क्यों होती है?
संपन्न परिवारों में आत्महत्या क्यों होती है? कुछ कारण होते होंगे और उन कारणों में जाकर किसानों का कभी मैंने अपमान नहीं किया है, लेकिन आज भी आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं, मध्य प्रदेश का किसान सीना ठोक के कह सकता है कि जितना आपको मालूम है क्या यहां नारे लग रहे हैं, शिवराज की निशानी, खाते में पैसा और खेत में पानी, ये नारे गांव गांव में लग रहे हैं। खाते देखते रहते हैं लोग, लाखों रुपए आते हैं। सीटें आ रही हैं हमारी, हमने तय किया है कि अब तक के चुनाव में सर्वाधिक सीटें लेने की कोशिश करें। कितनी? 231? ना ना, ऐसा कहीं होता है क्या? तो फिर वही पूछ रहा हूं। हम ऐसा नहीं कि सबसे, लेकिन कोशिश हमारी होगी कि रिकॉर्ड बनाए। 15 साल है तो लोग देखें चौथी बार सरकार बनाने में हमारी संख्या बढ़े। मुख्यमंत्री कौन होगा? है मुख्यमंत्री कौन? माननीय अमित शाह जी ने पूरी तरह से कहा है उज्जैन की भरी सभा में कि शिवराज जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, शिवराज जी ही अगले मुख्यमंत्री होंगे। क्योंकि अब इसके बाद जितने समय तक मोदी जी मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं उससे ज्यादा समय तक शिवराज जी, और ऐसे बड़े नेताओं की जरूरत दिल्ली में है। तो क्या माने कि दिल्ली में पार्टी चलती है? नहीं, चर्चा चलेगी। क्या प्रभात जी तो मुख्यमंत्री नहीं हो जाएंगे? सवाल ही नहीं है। क्यों? सवाल ही नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, कुर्ता है, अमित शाह जी ने जो घोषणा की है, सुनिए, राजनीतिक मिजाज, आज सबसे बड़ी बात है, ना ना ना, एक बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। जनता का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? मैं दावा करता हूं कांग्रेस सर्वे करा ले, बीजेपी ने तो करा लिया है, आज 72% जनता एक स्वर से कहती है कि इस प्रदेश का लोकप्रिय नेता अगर कोई है तो शिवराज सिंह चौहान। जब सर्वे में आता है कि मोदी और शिवराज जी में बात की तो मोदी बहुत पीछे रहे। ना 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 ना, सवाल ही नहीं है। कहते हैं नहीं, मेरा सर्वे जो अभी आपके भास्कर ने किया था उसके सर्वे में प्रधानमंत्री बहुत ऊपर थे देश के हिसाब से, कोई तुलना नहीं कर सकते। देखिए, नरेंद्र मोदी जी की तुलना करके हम शिवराज जी को डिमोरलाइज नहीं करेंगे, शिवराज जी की तुलना करके नरेंद्र मोदी की जो हैसियत है वो नहीं, हम उनकी हैसियत के साथ खिलवाड़ नहीं करेंगे। नरेंद्र मोदी विश्व के नेता है, शिवराज जी प्रांत के नेता है, हर के अपनी कार्य पद्धति है और एक दूसरे के हम पूरक हैं, संघीय प्रणाली में, विचारधारा की प्रणाली में। शिवराज जी भी उनके लिए स्तंभ है और हम सबके लिए आशा के केंद्र और हम सबके नेता नरेंद्र मोदी जी। क्या हुआ? कहते हैं कि भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बताइए, लेकिन देखिए आप जो सीबीआई भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे देश में क्या कार्रवाई नहीं हो रही है, वहीं पर रिश्वत रिश्वत का खेल हो रहा है। डायरेक्टर भी रिश्वत ले रहा है, स्पेशल डायरेक्टर भी रिश्वत ले रहा है, ये हो क्या रहा है? नहीं नहीं, क्या नहीं कहा गया? एक हाईकोर्ट के जज के द्वारा जांच नहीं शुरू हुई नाक के नीचे प्रधानमंत्री के नाम? ऐसा नहीं होता है। मैं फिर कह रहा हूं, कहीं पर भी कोई घटना हो सकती है, घटना होने के बाद यदि हम चिंता नहीं करें, उसको दुरुस्त करने की कोशिश नहीं, तब हमारी नीयत पे शंका करिए। सस्पेंशन नहीं हो सकता था? देखिए, हटाया है कि नहीं हटाया कि नहीं? ना ना, सीबीआई ने स्टेटमेंट दिया, नहीं ये लोग हैं हमारे यहां पर हैं। हाँ तो चल रही ना बात, हाईकोर्ट के, सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा उसकी जांच हो रही, जांच होगी, 15 दिन में सब सामने आ जाएगा। जब आप क्या है नहीं थे तो जरा जरा से मुद्दे पे आप इस्तीफा मांग लेते थे लोगों का। देखिए, ये राजनीतिक प्रक्रिया, डीजल, मैं फिर कह रहा हूं, राजनीतिक प्रक्रिया है। कांग्रेस पूरी तरह से न विपक्ष में रहने लायक है, सत्ता के मत से दूर हुई नहीं है और सत्ता के उन्माद में ही रहती हो, उसे लगता है वो आश्चर्यचकित है, नरेंद्र मोदी चाय बेचने वाला, शिवराज सिंह गांव में हल चलाने वाला कैसे बन गया? और उनका लोग कहते हैं मोदी बेचते अच्छा है, नहीं वो चाय हो चाहे सपने। भाई लोगों को कहने में क्या लगता है, ये वो लोग कहते हैं जो राजनीति को दूर से देखते हैं। एक एक जीवन का पल, एक एक खून का कतरा राष्ट्र के लिए लगाने वाले व्यक्तित्व का नाम है शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग लगे ना, हम उस हाइट पर नहीं है, जनता के नेता नहीं है, हम कबूल करते हैं, हम कार्यकर्ताओं के बीच में काम करते हैं। मैं सच्चाई कबूलता हूं कि आज मध्य प्रदेश में अगर सब नेताओं को आप रखेंगे भाजपा के, तो शिवराज सिंह जी अव्वल है, ये मैं ही नहीं, ये नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, 99 तक शिवराज जी, बाकी एक ना ना, ये देखिए ये आप कह सकते हैं, सब कह रहे हैं। मैं सिर्फ फिर कह रहा हूं, नेता तो एक ही होता है, शिवराज सिंह सर्वमान्य नेता हमारी पार्टी का है। कितनी ये टिकटों का जो वितरण है वो कब तक हो जाएगी, घोषणा कब तक हो जाएगी? मुझे लगता है कि मंथन ज्यादा क्यों हो रहा है? नहीं, मंथन तो हमेशा होगा, इतना नहीं होता। ना ना, हमेशा होता है, आज और कल चुनाव समिति की मीटिंग है, परसों केंद्र में मीटिंग होगी, उसके बाद वही से जारी, हाईकमान जो हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो जारी करता है इसको। प्रभा जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और जैसा बहुत बहुत आपने कहा है, उम्मीद करते हैं कि परिणाम उसी के हिसाब से हो, लेकिन ये जनता तय करेगी। ये जनता तय करेगी, लेकिन उम्मीद है चौथी बार शिवराज सरकार, उम्मीद है चौथी बार शिवराज सरकार, लेकिन ये तो चुनाव परिणाम ही बताएंगे कि आखिर किसकी सरकार बनेगी, किसकी सरकार नहीं बनेगी। लेकिन इतना जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी में मंथन चल रहा है इस बात को लेकर के इस बार भी कौन से बेहतर उम्मीदवारों को उतारा जाए जिससे मध्य प्रदेश में फिर से वापसी की जाए। फिलहाल भोपाल से इतना ही।